सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दीज क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो पिछले सालों में आ चुके हैं 2020-21 का, यानी बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। गिवन मटेरियल का मतलब क्या है कि हमने एक रो बताने की कोशिश करी है, यानी कि एक रेजिस्टिविटी, एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी मटीरियल का वायर है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका, ए है, हैज ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है। तो ये चारों चीजें हमने एक लाइन में बता दी। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन द वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब रो हम नहीं बदल रहे हैं, आर की वैल्यू पूछी है। हैविंग लेंथ एल बाई टू, एल लेंथ को हमने जो है वो आधा कर दिया है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ट्वाइस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहली वाली जो लाइन है वहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वहां से मैं सिंपल फार्मूला लिखूंगा आर। ये दूसरा वाला जो है इसको आर्डेस्ट कर देते, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए एंड इट इज इक्वल टू 4 ओम्स। दिस इज इक्वेशन वन। नाउ जो दूसरी लाइन है वो क्या है, आर डैश इज इक्वल टू रो एल। अब लेंथ कितनी हो चुकी है, लेंथ हो चुकी है एल बाई टू, और एरिया कितना हो चुका है, एरिया हो चुका है 2a, ठीक है। l और a को अलग कर लेते हैं, यहाँ पर रो l अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई एक, तो ये 2 है, एक ये 2 है, ये नीचे 1/4 आ जाएगा। ये रो l अपॉन a कितना दे रखा है, ये इक्वेशन 1 में 4 दे रखा है, तो यहाँ पर 4 ओम लग देंगे डिवाइडेड बाई ये वाला 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 ओम। सो दिस इज द आंसर, आंसर इज a। आई होप समझ में आ गया होगा। Now let us talk about question number 2. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere 220 volt line? Line का मतलब आप simple ये समझ करिए, सिर्फ voltage, ठीक है? ये जो हमारे poles पर run करती हैं, इनको हम line ही कहते हैं, ठीक है? Okay, 2019-20 का question है. Question बहुत simple है कि 176 ohm के कितने resistors हम parallel में connect करें कि 5 ampere करंट कैरी करने लगे वो, अगर 220 वोल्ट की लाइन में कनेक्ट किया जाए। यानी कि हम यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, करंट कितना है 5 एम्पियर, कितना आ गया 44 ओम आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 176 का एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, ऐसे ऐसे करके सपोज एन रेजिस्टर हम कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये 176 का एक हो गया, ये 176 का दूसरा हो गया, और ऐसे चलते चले गए, और ये 176 ओम का एक nth रेजिस्टर, ये पहला था, ये दूसरा था, सपोज ये nth था, और ये रेजिस्टर कनेक्ट होकर इतने ज्यादा हमने कनेक्ट कर दिए कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 44 ओम आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली वोल्टेज और करंट के रेशियो से। अब ये सवाल है कि हमारे पास ये कितने 176 ओम के रेजिस्टर है, तो बहुत आसान है। अगर हम फार्मूला देखेंगे पैरेलल में, क्योंकि रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो आर पैरेलल वाला मैंने फार्मूला बताया था, आप कैसे लिखते हैं, आर वन प्लस आर टू, ऐसे करते करते चले गए प्लस आर एन, ठीक है, बात समझ में आई। और इसको क्या कर देते हैं आप, इनवर्स कर देते हैं। तो ये आर पैरेलल आपको पहले से पता है 44 है, आर वन आपको पहले से पता है एक, ये 176 है, दूसरा भी 176 है, और ये कितने हैं टोटल, ये nth है, हमें एन ही निकालना है, 176 की पावर 1 की पावर माइनस 1। अब यहाँ पे तो हम 44 ही छोड़ देते हैं, 176 प्लस 1/176 कितनी बार है, 9 बार, वो nth बार है, तो इसको हम n अपॉन 176 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर माइनस 1 है, तो हम 176 बाई n लिख देंगे, और यहाँ पर 44 लिख देंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे 176/44। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आंसर कितना आ जाएगा 4 नंबर। यानी ऐसे 4 रेजिस्टर्स हम कनेक्ट कर दें, तो अगर 220 वोल्ट से हम कनेक्ट करेंगे तो 5 एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा। याद रखिए, जो भी रजिस्टर दे रखा है उसको नंबर, उसको
उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से अगर हम डिवाइड करते तो नंबर इन पैरेलल, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल आ जाएगा, ये बात याद रखिए, ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक लगेगा। आंसर यहां पर चार आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम्स, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, शुड बी जॉइंड इन पैरेलल टू ड्रॉ ए करंट 2 एम्पियर ऑफ 3 वोल्ट। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 3 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर इज इक्वल टू 1.5 ओम्स, ठीक है। अब एन कैसे निकालेंगे, एन निकालेंगे 6 ये वाला रेजिस्टर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स 1.5 इज इक्वल टू 4 नंबर, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था, आप पलट के देख लेंगे तो यहां पर भी आंसर जो है वो बेसिकली 4 ही आएगा, 2018-19 का क्वेश्चन है, ओके। क्या बात समझ में आ रही है? नाउ अगले क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, टू कनेक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब रो फिक्स है, रो नहीं बदलेगी, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले हमने उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम उनको कनेक्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालना है। तो पहले केस वन हम स्टडी करते हैं, केस वन में दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है, यानी एक रेजिस्टर ये है और दूसरा रेजिस्टर ये है, इसकी वैल्यू भी सपोज आर, इसकी वैल्यू भी आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हमने एक वोल्टेज वी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, इसको हमने एक वोल्टेज वी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2R, क्योंकि हीट निकालनी है इसलिए इसको टाइम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टाइम टी बीत जाने के बाद जो हीट कंज्यूम होगी वो होगी वी स्क्वायर अपॉन 2R। इज दैट क्लियर टू यू? अब केस टू स्टडी कर लेते हैं, केस टू में क्या है, केस टू में इन्हीं दोनों रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यानी एक रेजिस्टर ये, दूसरा रेजिस्टर आपका ये, ठीक है, ओके। इस तरह से हमने कनेक्ट कर रखा है, तो ये भी, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी भी आर है, इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सेम रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हो जाएगी आर बाई टू, इसको भी हमने एक वोल्टेज वी से कनेक्ट कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहां पर हीट प्रोड्यूस, यहां पर ये पहले वाले केस में हम सीरीज लिख देते हैं, एस ई लिख देते हैं, और यहां वाले केस में एच पी लिख देते हैं, तो यहां हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ये पहली इक्वेशन है एंड ये दूसरी इक्वेशन है, हमको निकालना क्या है, बट वी वॉन्ट टू फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी सिंपल इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी एच एस ई डिवाइडेड बाई एच पी हमें निकालना है। एच एस ई किसके बराबर है, वी स्क्वायर अपॉन टू आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टी। सबसे पहले तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा आर बाई टू, नीचे आ जाएगा टू आर, आर आर से कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई टू, टू नीचे ही आ जाएगा 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/4, यानी 1:4। सीरीज में अगर एक जूल एनर्जी खर्च हो रही है तो पैरेलल में 4 जूल एनर्जी खर्च होगी, पैरेलल में ज्यादा होगी, हमारे घरों के लोड भी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो 1:4 आ जाएगा द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल व्हेन द सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। इस कंसेप्ट को याद रखना है, अगले ही प्रॉब्लम में शायद ये यूज होगा, टू हीटर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टू केसेस विल बी 1:4। तो यहां पर भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1:4 आएगा, उसी तरीके से कर लेंगे, सिर्फ यहां पर नाम दिया गया हीटर वायर में, क्वेश्चन नंबर 4 में टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ, यहां पर इस तरीके से
लैंग्वेजेस जरूर बदली हुई हैं, बट द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन एट द सेम टाइम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आर द सेम क्वेश्चन, तो यहां पर भी आंसर यही आएगा. इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं हो सॉल्व तो मुझे बताइएगा. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू एंड इट इज 20 ओम्स, टेक्स ए करंट ऑफ, टेक्स नहीं बोलते, ड्रॉज बोलना चाहिए, ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर. सो द करंट इज 5 एम्पियर. The heat developed in 30 seconds. Heat निकालनी है, तो यहां पर heat produce का आप formula लगाइए, I square R dot T. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? V square upon R भी लगा सकते थे, क्योंकि हमें current दे रखा है, तो हमने current वाला formula लगा दिया. Current कितना है? 5. तो 5 का square multiplied by resistance कितना है? Resistance is 20 multiplied by time कितना है? Time is 30. तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड में 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 600. इसको हम बोल सकते हैं 100/4 मल्टीप्लाइड बाय 600, ये हो जाएगा आपका 1500, एक जीरो और लग जाएगा, तो 15000 जूल्स आएगा. ठीक है, 15000 जूल्स दे रखा है, 15000 जूल्स दे रखा है, इसको 15 kJ भी बोल सकते हैं, 15 kJ. और भी क्वेश्चंस बचे हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस तरीके के, इंशाल्लाह मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा. फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए, सीख लीजिए.